हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो आज हम उसी टॉपिक पर एक मॉडल आंसर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इलैबोरेट ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट दैट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि सबसे पहले हमें जो है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हमसे जब भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए पूछा जाता है, सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसे वेग सा आंसर लिख देंगे तो उसके मार्क्स हमें यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है वो हमें नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कीवर्ड क्या है। व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि सबसे पहला जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज। हमें एंशियंट हमारे टाइम से जो भी इंडिया चाइना का रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में बात करनी होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंशियंट रिलेशनशिप के बारे में आप बात करिए। उसके बाद में जितने भी हमारे पास्ट में जितने भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनके बारे में आपको एक ग्लिम्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो अदर पार्ट है क्वेश्चन का वो है इलैबोरेट ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट दैट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट बताने के बाद में जो सेकेंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन का वो होगा कि हमें रिसेंटली जो हुए हैं टेंशन डेवलप हुए हैं हमारे बॉर्डर एरियाज में उनके बारे में बात करनी होगी। और उसके बाद में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन जो है वो एक पॉजिटिव या फिर बैलेंस्ड होना चाहिए, जो कि हम वे फॉरवर्ड बताएंगे। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फ्रेमवर्क क्या रहेगा क्वेश्चन का। तो हमारा फ्रेमवर्क होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया और चाइना के जो भी लिंक रहे हैं, इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज रहे हैं उनके बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जहां पर हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के एंशियंट लिंक की। उसके बाद में मेन बॉडी आएगी हमारी जो कि दो स्टैंजा में रहेगी, दो या तीन स्टैंजा में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहेगा जहाँ पे हम इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट बताएंगे जो कि पास्ट में हुए हैं। उसके बाद में जो हमारे रिसेंटली टेंशन डेवलप हुए हैं जिन्होंने रिलेशनशिप को और भी खराब कर दिया उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो कंक्लूजन होगा उसमें हम एक वे फॉरवर्ड दे करके अपना आंसर एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। द इंडिया चाइना रिलेशनशिप ऑल्सो कॉल्ड द सिनो इंडिया रिलेशनशिप हैज विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है जिसे हम सिनो इंडिया रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसने विटनेस किया है एक सीरीज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं जिनको ये रिलेशनशिप अभी तक फेस कर चुका है। डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद दैट इन एंशियंट टाइम्स की एंशियंट टाइम में सिल्क रोड विच कनेक्टेड इंडिया एंड चाइना, जो कि भारत और चाइना को कनेक्ट करता था, जैसा कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है। मैंने आपसे कहा था कि हम इंडिया और चाइना का जो हमारा एक एंशियंट लिंक रहा है उससे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में जो कि एक सिल्क रूट था हमारा, जो कि भारत और चाइना को कनेक्ट करता था और एक बहुत ही मेजर ट्रेड रूट था दोनों कंट्रीज के बीच में। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन एंशियंट टाइम्स सिल्क रोड विच कनेक्टेड इंडिया एंड चाइना वॉज अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, टूडे दोज बॉर्डर एरियाज have become major source of contention for both the countries. वही border areas जिन्हें कभी ये silk route connect करता था, आज वही border areas इन दोनों country के बीच में सबसे बड़ा major source of contention बन गए हैं। भारत और चाइना के बीच में अगर आपने भी न्यूज में देखा होगा तो हमारे जो major disputes होते हैं वो हमारे border areas को लेकर होते हैं, जहां जहां पर हमारा international border touch करता है दोनों countries के बीच का। तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया जो भी हमारा पुराना रिलेशनशिप रहा है। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आंसर में एक एक करके जो भी हमारे पास्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं उनके बारे में बात करना। सो गोइंग बैक टू 1914 की अगर हम बात करें तो शिमला कन्वेंशन वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। तब भारत पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था हिंदुस्तान को। तो गोइंग बैक टू 1914 सिमला कन्वेंशन वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत विदाउट चाइनाज एग्रीमेंट। चाइना के एग्रीमेंट के बिना तिब्बत के साथ में इंडिया ने, ब्रिटिश इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था शिमला कन्वेंशन, जिसके अकॉर्डिंग मैकमोहन लाइन 550 माइल फ्रंटियर केम इन टू एग्जिस्टेंस
विच सेपरेट इंडिया एंड चाइना एट नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। 1914 में एक शिमला, जैसे कि मैंने वीडियो में भी पहले जो हमारा इसका टॉपिक का जो वीडियो था इंडिया चाइना का उसमें भी आपको बताया था, तो उसे दो लाइंस में यहाँ पे आपको दिखाना है कि गोइंग बैक टू 1914, अगर हम 1914 की बात करें तो तिब्बत और इंडिया के बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक शिमला कन्वेंशन हुआ था जो कि चाइना के एग्रीमेंट के बिना हुआ था। और उस एग्रीमेंट के तहत मैकमोहन लाइन जो कि 550 माइल की एक फ्रंटियर लाइन है वो एग्जिस्टेंस में आई, जो कि सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे। उसके बाद में हम अगले वॉर के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमने 1914 का बता दिया कि क्या रीजन था कि मैकमोहन लाइन जो थी वो चाइना एंड तक कहता रहा कि तिब्बत जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट कभी था ही नहीं चाइना से, तो आपने कैसे उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया बिना चाइना के अप्रूवल के। तो अब अगर हम अगले की बात करें कि 1962 में क्या होता है, तो इन 1962 द चाइनीज ट्रूप क्रॉस्ड द मैकमोहन लाइन, जो मैकमोहन लाइन हमारी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है, चाइनीज ट्रूप जो है वो वहां से अंदर आ जाते हैं एंड पासिंग थ्रू माउंटेन पासेस एंड टाउन, और माउंटेन पास और टाउन को क्रॉस करते हुए दे कैप्चर्ड मैनी एरियाज इन इंडियन टेरिटरी। भारत में उन्होंने कई एरिया कैप्चर कर लिए एंड सून आफ्टर डिक्लेयरिंग ए सीज फायर, और सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद ही अनऑफिशियली रेड्यू अ बॉर्डर कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसा कि हमने वीडियो में पुराने वाले में देखा था, आप एक बार, मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, खुद से लिखने के पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है। तो 1962 में वी हैव डिस्क्राइब्ड इट इन टू लाइंस हियर। इन 1962 चाइनीज ट्रूप व्हेन दे क्रॉस्ड द मैकमोहन लाइन पासिंग थ्रू माउंटेन पासेस एंड टाउन्स कैप्चर्ड मेनी एरियाज इन इंडियन टेरिटरी एंड सून आफ्टर डिक्लेयरिंग अ सीज फायर, जो चाइनीज सैनिक थे वो घुस आए थे हमारी टेरिटरी में, और उसके बाद में दोनों तरफ से ही लड़ाई हो रही थी दोनों तरफ से ही, लेकिन जैसे ही चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया तो चाइना के सैनिक जो थे वो जहां पर रुक गए उसी को उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दिया। तो सेकेंड जो था वो हमारा वॉर ये रहा। उसके बाद में 1967 में क्या होता है कि इन 1967 चाइना अगेन अटैक्ड थ्रू टू माउंटेन पासेस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हमारा जो चाइना का साथ बॉर्डर है वो हमारा तीन जगह पे कनेक्ट करता है। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, जो वेस्टर्न जगह पे टच करता है वो है हमारा लद्दाख एरिया, जो मिडिल पार्ट है वो है हमारा सिक्किम के पास वाला जगह जहां पर करता है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है यानी कि अरुणाचल प्रदेश वहां पर टच करता है। तो 1967 में ये मिडिल पार्ट में अटैक हुआ था। तो इन 1967 चाइना अगेन अटैक्ड थ्रू टू माउंटेन पासेस नाथुला एंड चोला दैट कनेक्टेड सिक्किम एंड चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये दो पास थे सिक्किम में, हिमालय से ये हमारा सिक्किम है, यहाँ से दो पासेस चाइना की तरफ गए थे जिसे कि जो कनेक्ट करते थे सिक्किम और चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को, बट इंडिया फॉट बैक वेरी ब्रेवली एंड पुश्ड चाइना बैक इनटू इट्स टेरिटरी। लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से फाइट बैक किया और चाइना को उसकी टेरिटरी में वापस भेज दिया। तो ये आपने देखा, हमने तीन यहाँ पर जो हमारे पास्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं उनके बारे में बात कर ली। हमने 1914 का बता दिया, पहले हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की कि हमारा जो भी हमारे एंशंट लिंक रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद में हमने जब वॉर की बात की तो हमने 1914 का यहाँ पे वॉर की बात कर दी, 1962 का एक लाइन में बता दिया और 1967 का एक ब्रीफ समरी दे दिया। उसके बाद में हम अब बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे 2017 की। इन 2017 चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग रोड इन डोकलाम प्लेटियोट विच लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ भूटान एंड चाइना। तो अगर हम इंडिया का मैप, एक मैं छोटा सा आपको एक रफ मैप बना देती हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, फिर ये हमारा जो सिक्किम का पार्ट आता है और इधर नॉर्थ ईस्ट है, तो ये हमारा नेपाल हो जाता है और ये भूटान है, तो यहाँ से पूरा ये चाइना है। तो एक तरह से भूटान और चाइना का बॉर्डर जो है वो इधर पे पड़ता है। तो इन 2017 चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग रोड इन डोकलाम प्लेट्यू। डोकलाम प्लेट्यू जो है विच लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ भूटान एंड चाइना, वो भूटान और चाइना के बॉर्डर पर है एक्चुअली, यानी कि इंडिया का डोकलाम प्लेट्यू के साथ में कोई भी बॉर्डर टच नहीं होता, ना ही ये इंडियन रीजन में आता है। डोकलाम प्लेट्यू बिकम्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आखिर अगर ये हमारा बॉर्डर टच नहीं था तो इंडिया ने क्यों इंटरवीन किया वहां पर। तो डोकलाम प्लेट्यू बिकम्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज इट इज सिचुएटेड नियर टू सिक्किम। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, इट इज सिचुएटेड नियर टू सिक्किम विच कनेक्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट टू रेस्ट ऑफ इंडिया।
चाइना का जो पॉलिसी रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो एक साथ आपका पूरा एरिया पे अटैक नहीं करेगा या डिमांड नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपके टेरिटरी में घुसना शुरू करेगा और उसके बाद में आपका सारा का सारा एरिया कैप्चर करेगा। तो अगर ये डोकलाम प्लेट्यू चाइना ने अपना टारगेट किया इसलिए क्योंकि ये डोकलाम प्लेट्यू जो है वो हमारा पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो सिक्किम से कनेक्ट होता है, हमारा बाकी इंडिया को सिक्किम कनेक्ट करता है और डोकलाम प्लेट्यू इसके पास में है। अगर डोकलाम प्लेट्यू पे चाइना ने अपना कब्जा कर लिया तो सिक्किम खतरे में आएगा और उसके साथ साथ हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट पर जो होल्ड है एक वो चला जाएगा। तो वही लिखा है कि डोकलाम प्लेट्यू बिकम्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज इट इज सिचुएटेड नियर टू सिक्किम विच कनेक्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट टू रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया कन्फ्रंटेड चाइना ब्रेवली एंड इवेंचुअली बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू विदड्रॉ फ्रॉम डोकलाम एंड चाइना स्टॉप्ड द कंस्ट्रक्शन ऑन द रोड। यानी कि उसके बाद में जब इंडिया ने कन्फ्रंट किया चाइना को ब्रेवली तो चाइना ने वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन फाइनली जो है वो रोक दिया। तो ये हमने जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि हमें इंडिया और चाइना की कंटेंशंस के बारे में बात करना था, उनके रिलेशंस जो रहे हैं उनके बारे में बात करना था, वो हमने डिस्प्यूट बता दिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि रिसेंटली हमारे बीच में क्या क्या क्लैशेस हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो रिसेंटली इन 2020 अगेन क्लैशेस हैपेंड इन पेंगोंग सो लेक इन ईस्टर्न लद्दाख। रिसेंटली 2020 में जो हमारी पेंगोंग सो लेक है लद्दाख में, उसमें क्लैशेस हुए वेयर द चाइना हैड बिल्ट अ मोटरेबल रोड ओवर द ईयर्स, जहां पर चाइना ने साइलेंटली उस लेक के साइड में एक मोटरेबल रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। पेंगोंग सो लेक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया as it lies in the path of Chulsul approach. Pangong Solu जो lake है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो Chulsul approach है उसके रास्ते में आती है, जो कि Chulsul approach जो है जो कि it is one of the main approaches that China can use for an offensive into Indian held territory. ये जो approach है यहाँ से चाइना उसको बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से यूज कर सकता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लेक स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। द बैरन माउंटेन्स ऑन द लेक्स नदन बैंक, जो कि जो हमारी पेंगोंग सो लेक है उसके नदन बैंक पर जो भी माउंटेन्स हैं दे आर कॉल्ड चैंग चैनमो जट फॉरवर्ड इन मेजर स्पर्स विच द आर्मी कॉल्ड फिंगर्स। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे इसका तो वहां पर आप देखेंगे कि जो माउंटेन है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यानी कि फिंगर के शेप का है। यहाँ पर हमारी लेक है और ये माउंटेन कुछ इस तरह से, इसलिए इसको फिंगर बोला जाता है, फिंगर वन, फिंगर टू, फिंगर थ्री, फिंगर फोर, फाइव, इस तरह से। इंडिया क्लेम्स दैट एलएसी इज को टर्मिनस विद फिंगर एट बट इट फिजिकली कंट्रोल एरिया ओनली अप टू फिंगर फोर। भारत क्लेम करता है कि जो उसका कंट्रोल है वो फिंगर एट तक है, एक्चुअली एलएसी जो है वो फिंगर एट से पास होती है, लेकिन फिजिकली जो है ये फिंगर फोर तक का एरिया ही कंट्रोल कर पाता है। चाइनीज बॉर्डर पोस्ट आर एट फिंगर एट, जो चाइना के बॉर्डर पोस्ट हैं वो फिंगर एट पर हैं। व्हाइल इट बिलीव्स दैट द एलएसी पासेस थ्रू फिंगर टू, चाइना बिलीव क्या करता है, इंडिया बिलीव करता है कि एलएसी फिंगर एट से पास होता है, जबकि चाइना बिलीव करता है कि ये फिंगर टू से ही पास होता है। यानी कि आप ऐसे देखिए, अगर ये फिंगर्स हैं हमारे फिंगर वन टू थ्री फोर से एट तक है, तो चाइना का क्लेम है कि एलएसी यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि इंडिया का कंट्रोल सिर्फ इतने एरिया में रहा, और भारत क्लेम करता है कि हमारा कंट्रोल यहां तक है, यानी कि इतना जो एरिया है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है। तो द रीसेंट फ्रकास बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स हैपेंड एट फिंगर फाइव, तो इनमें से जो फिंगर फाइव थी वहां पर हमारा जो लेटेस्ट जो भी वॉर हुआ, जो भी कन्फ्रंट किया दोनों आर्मीज ने, वो फिंगर फाइव पे किया, which led to a disengagement between the two sides. India and China should, अब ये हम मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपको ये बता दिए कि हमारा 1914 में क्या हुआ, उसके बाद 1962 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, और recently 2020 में क्या हुआ। अब हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड आखिर क्या होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि वे फॉरवर्ड हम क्या रखेंगे, ये हमेशा एक पॉजिटिव या फिर एक बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल भी एक तरफ बायस्ड आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट के फेवर में और ना ही एंटी गवर्नमेंट। तो इंडिया एंड चाइना शुड रिजुविनेट देयर एंशियंट कल्चरल लिंक एज वेल एज ट्रेड लिंक, जो कि भारत का चाइना के साथ में एक लिंक रहा है सिल्क रूट का, और हमारे जो एंशियंट टाइज रहे हैं, तो
दोनों कंट्रीज को उन्हें रिजुविनेट करना चाहिए और साथ ही कल्चरल लिंक्स को, जो कि पहले हमारे भारत से ही माना जाता है कि सिल्क रूट के थ्रू ही बुद्धिज्म जो है वो चाइना तक पहुंचा था, तो वही लिखा है कि इंडिया एंड चाइना शुड रिजुविनेट देयर एंशिएंट कल्चरल लिंक एज वेल एज ट्रेड लिंक बीइंग द मोस्ट पॉपुलस एज वेल एज द नेबरिंग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्री बहुत ही पॉपुलस हैं, चाइना नंबर वन है, इंडिया नंबर टू है, तो बीइंग द मोस्ट पॉपुलस एज वेल एज द नेबरिंग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना शुड डेवलप कॉर्डियल बायलेटरल रिलेशंस शुड इनिशिएट पीसफुल टॉक्स, दोनों ही कंट्री को एक सौहार्दपूर्ण या कॉर्डियल बायलेटरल रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए, शुड इनिशिएट पीसफुल टॉक, एक शांतिपूर्ण वार्ता की जानी चाहिए टू क्लियरली डीमार्केट द बॉर्डर लाइंस एंड एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट। जो भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट अब तक के रहे हैं वो इसलिए रहे हैं क्योंकि जो भी लाइन इंडिया ने डिसाइड की वो चाइना ने नहीं मानी और जो चाइना ने की वो भारत ने नहीं माना। चाहे इंडिया का कहना था कि हमारा जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है, जबकि इंडिया ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया कि ये तो आपने तिब्बत के साथ में एग्रीमेंट किया है और तिब्बत हमारा हमसे अलग कभी था ही नहीं, तो आपने बिना हमारी परमिशन के तिब्बत के साथ में कैसे कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लिया। दूसरी जगह चाइना जो बोलता है वो बोलता है LAC हमारा बॉर्डर लाइन है जिसमें इंडिया को प्रॉब्लम है। तो दोनों ही कंट्रीज को एक शांतिपूर्ण वार्ता करके एक क्लियरली डिमार्केट करना चाहिए कि उनकी बॉर्डर लाइन क्या होनी चाहिए। एंड बाय एंडिंग दीज बॉर्डर डिस्प्यूट, इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करके बॉर्डर हार्ड डेवलप किए जा सकते हैं, जैसा कि हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में नॉर्थ ईस्ट पे जो हमारा बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश के साथ में, वहां पे आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि बॉर्डर हार्ड डेवलप किए गए हैं। सो बाय एंडिंग दीज बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया एंड चाइना बॉर्डर हार्ड एज वेल एज इंडिया हैज विद बांग्लादेश बॉर्डर कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड टू फ्लोरिश द कल्चर ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के कल्चर को फ्लोरिश करने के लिए एक बॉर्डर हार्ड भी डेवलप किए जा सकते हैं। Joint military exercises between both the countries will also help to mitigate the tension and instead of falling, mitigate the tensions. पहले इतना बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि भारत की कई countries के साथ में हमारी US के साथ में होती है military exercise, joint army exercise होती हैं, joint navy exercise होती हैं। तो अगर हम दोनों countries की army के बीच में military exercises करवाएंगे तो वो दोनों ही countries के लिए बहुत ही ज़्यादा एक उनका पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप होगा आगे जाकर के। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज विल आल्सो हेल्प टू मिटिगेट द टेंशंस एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसिविज्म पॉलिसी जैसे कि चाइना की है एंड बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, चाइना शुड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद इट्स नेबर एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल रीजन। चाइना जो कि हमेशा ही एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है और एक सेल्फ सेंटर्ड कंट्री है जिसको सिर्फ अपना ही प्रॉफिट दिखता है हर समय, उसे फ्रेंडशिप फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हर तरह से पूरे एशिया का डेवलपमेंट हो या साउथ एशिया का हो, सार कंट्रीज में भी हम साथ हैं। चाइना शुड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद इट्स नेबर एटलीस्ट एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल रीजन। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड आंसर हो गया जिसमें कि हमने शुरू में क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो भी डिस्कस कर लिया कि हमारी इंडिया और चाइना के जो एंशियंट, पहले पैरा में बात की कि एंशियंट रिलेशनशिप हमारा कैसा रहा है, दूसरे में हमने बात किया कि इंडिया और चाइना के बीच में अब तक क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, थर्ड में हमने बात कर ली कि रिसेंटली हमारा जो जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, फिर उसके बाद में हमने एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड भी डिसाइड कर लिया जिसमें हमने बात की कि हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करा सकते हैं, हम बॉर्डर हार्ड डेवलप कर सकते हैं उनके बीच में या पीसफुल नेगोशिएशन हो सकता है उनके बीच में जिसमें कि हम बॉर्डर को जो है क्लियरली डिमार्केट कर दें उनके लाइंस को। उसके अलावा इंडिया और चाइना अगर दोनों ही कंट्रीज में जो भी कल्चरल लिंक है हम उनको भी फ्लोरिश कर सकते हैं, एक तरह से आप यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम चला सकते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस आंसर लिखा जा सकता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर कहूंगी एक बार कि इसको एक बार देखने से पहले या खुद ट्राई करने के पहले आप पुराना वीडियो इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट का जो हमने टॉपिक किया था उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने सारी बातें समझाई थी, उसे एक बार जरूर देख लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।